नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ई मित्रा सॉल्यूशन में। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने इस लॉकडाउन के दौरान एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसे आप अपने नज़दीक में कोई भी ऑनलाइन यदि कोई स्टोर है तो उससे आप ऑनलाइन जो ख़रीदारी है वो कर सकते हो, अपना घरेलू सामान है जो मंगवा सकते हो। तो किस प्रकार से उसमें रजिस्ट्रेशन करना है, कौन सी ऐप है, कैसे आपको डाउनलोड करना है, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपके नज़दीक में कोई भी, जैसे मान लो कि 1-1.5 किलोमीटर के अंदर कोई भी ई स्टोर है, तो उस ई स्टोर से आप अपना सामान है जो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो और मंगवा सकते हो। तो आपको उसके लिए एक ऐप डाउनलोड करनी होगी, और ऐप कैसे डाउनलोड करनी है वो सारी बातें हम वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ जाता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी के साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखें। दोस्तों, यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लें। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस प्रकार से वो ऐप डाउनलोड करनी है। तो ऐप डाउनलोड करने के लिए हम सबसे पहले अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, स्क्रीन में हम देखेंगे कि इस प्रकार से हमें ऐप है जो डाउनलोड करनी है। दोस्तों, ऐप तो मैंने डाउनलोड कर रखी है, तो उस ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप डायरेक्ट ही उसको डाउनलोड कर सको। प्ले स्टोर पर अभी इसका लिंक है जो उपलब्ध नहीं होगा। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ हमने एक ऐप डाउनलोड कर रखी है, तो मैं उस ऐप को खोल करके दिखाता हूँ आपको। तो इसका नाम है ई बाज़ार COVID-19। तो ई बाज़ार COVID-19 के नाम से ये ऐप है, जो अभी प्ले स्टोर के ऊपर शायद उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इसके जो डाउनलोडर हैं वो बहुत कम हैं। इसके कारण से ये अभी ट्रेंडिंग में नहीं आई है। तो मैं आपको इसका डाउनलोडिंग जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैं इसको सबसे पहले ओपन कर लेता हूं और इसको लॉगिन करके आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार से हमें लॉगिन करना है, किस प्रकार से इसमें रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे हम सामान मंगवाएंगे। तो जैसे ही आप इस ऐप को खोलोगे तो इस प्रकार से इंटरफेस है जिसका आएगा। तो सबसे पहले आपको SSO ID आपकी यहाँ पर लगानी है। यदि आपके SSO ID नहीं है तो आप नीचे इसके लिंक दिया हुआ कि नॉट हैविंग SSO ID, तो आप यहाँ से रजिस्टर भी कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी लॉगिन ID है जो लगा देता हूँ, अपनी जो SSO ID है। तो दोस्तों, ये SSO ID मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन के कारण मैं इसको दिखा नहीं सकता आपको। और मैं यहाँ लॉगिन बटन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दो ऑप्शन आएंगे, फर्स्ट टाइम यूज़र यदि हम हैं तो एक बायर है और एक है सेलर शॉपकीपर। यदि आप शॉपकीपर हो या सेलर हो तो आप नीचे वाले में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और यदि आप बायर हो तो आप यहाँ बायर वाले पर क्लिक कर सकते हो, यानी खरीदने वाले हो, सामान खरीदने वाले हो तो आप बायर पर क्लिक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर बायर पर क्लिक करके और रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको अलाउ मांगेगा, तो आपको अलाउ कर देना है इसको। इसके बाद में आपको अपना जो नेम है वो यहाँ पर डालना है, तो मैं यहाँ पर अपना जो नाम है वो डाल देता हूँ। इसके बाद में आपका जो SSO ID वो आ जाएगी। इसके बाद में आपका जो एड्रेस है वो आपको कम्प्लीटली यहाँ पर डालना है, ताकि आपका जो सामान है वो सही समय पर पहुँच जाए। इसके बाद में आपको यहाँ पर स्ट्रीट चुननी, यानी पूरा एड्रेस मैं यहाँ पर आपका भर देता हूँ। इसके बाद में आपको स्टेट है और इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करके लिखना है। यहाँ पर जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है तो वो आपको सेलेक्ट करना है और ओके बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद में रूरल या अर्बन है वो पूछा जाएगा, तो आपको रूरल या अर्बन में से जो है वो भर देना है। इसके बाद में आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना है, और उसके बाद में आपको GP यानी आपकी जो ग्राम पंचायत है वो यहाँ से सेलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ से अपनी जो ग्राम पंचायत है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। नई जो ग्राम पंचायत बनी है वो शायद इसके अंदर अभी नहीं आई है, तो आपको अपना विलेज भी यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपको पिन कोड है वो डाल देना है यहाँ पर। तो ये चीज़ें मैं आपको सिक्योरिटी रीजन की वजह से दिखा नहीं रहा हूँ। इसके बाद में आपको यहाँ पर अपना जो ईमेल ID है वो डालना है। ईमेल ID डालने के बाद में आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करोगे तो आपका सेव्ड सक्सेसफुली लिखा हुआ आएगा, और ये एक बार फिर से लॉग आउट हो जाएगा। आपको फिर से यहाँ पर लॉगिन इसको करना है, और लॉगिन बटन पर जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये चार ऑप्शन आएंगे। सबसे पहले है प्लेस ऑर्डर वाला, यानी आपको कोई भी ऑर्डर करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे और आप अपना ऑर्डर है जो प्लेस कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो कमिंग सोन यानी कि अभी ये चालू नहीं हुआ है। तो इसके बाद में ऑर्डर स्टेटस है वो यहाँ से चेक कर सकते हो आप अपना, कि आपने कोई भी ऑर्डर दिया तो उसका स्टेटस क्या है। उसके बाद में आप हिस्ट्री भी यहाँ पर चेक कर सकते हो। इसके बाद में शॉप लिस्ट है, यानी आपके नज़दीक 1 से 1.5 किलोमीटर में जो भी ऑनलाइन सामान उपलब्ध कराता है, तो 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर कोई भी यदि है तो उसकी लिस्ट यहाँ पर इस दुकान की
लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। तो मैं नहीं देखता कि यहाँ पर कोई भी दुकान ऑनलाइन होगी शायद, क्योंकि 1-1.5 किलोमीटर में मेरे यहाँ पर नज़दीक में कोई नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी लिस्ट शो नहीं कर रही है। शायद हो सकता है कि कोई हो जाए जल्दी से, किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। यदि कोई रजिस्ट्रेशन करना चाहेगा तो इस ऐप के माध्यम से वो रजिस्टर कर सकता है और आपके घर पर होम डिलीवरी हो जाएगी। तो आप कैश में भी भुगतान कर सकते हो और जब डिलीवरी हो जाए उसके बाद में भी भुगतान इसका कर सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको यहाँ पर ऑर्डर करना है, ये बहुत ही अच्छी ऐप है, शायद आपको ये काम आए तो आपको इसे डाउनलोड कर लेना चाहिए और इंस्टॉल कर लेना चाहिए। ये राजस्थान सरकार की ऐप है तो आपको ये डाउनलोड कर लेनी चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। यदि आपको वीडियो पसंद आ जाता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना न भूलें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल के आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।